कौन से चैप्टर तक हमने कवर कर लिया था लास्ट? 62 हमने कंप्लीट कर लिया था या 61 किया था? हाँ, हमने 61 कंप्लीट कर लिया था. 62 मैंने कहा था कि ज़्यादा हो जाएगा आज, तो वो करते हैं. अच्छा, तो आज हम कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर नंबर 62 से लेके ना और 64 तक एटलीस्ट चार चैप्टर हम कर लें. अच्छा, ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं और इसमें ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले ही आते हैं. अच्छा, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं. जस्ट हम पहले गेट एलिमेंट बाई आईडी से करते थे, वही काम इसमें अब थोड़े मुख्तलिफ मेथड से होगा, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. अच्छा, और ये डॉम वाली चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी और जो हम आज भी पढ़ने जा रहे हैं, इसको जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, लास्ट क्लास में तो मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, लेकिन आज की क्लास के लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा. कल मैंने आप पे छोड़ा था कि आप उसको बुक में जो लिखा हुआ कोड है उसको आप देखेंगे. आज की क्लास के आखिर में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपने करके आना है, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक. ठीक है, यानी कल फ्राइडे की जो क्लास है उसमें नहीं, मंडे वाली क्लास में आपने वो करके लाना है. ठीक है, अगर फ्राइडे को ही हो जाए तो अच्छा, अच्छी बात है. इसका मतलब ये नहीं कि फ्राइडे सोना है. अच्छा, मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट्स. अब ये इसने एक तो ये बता दिया है कि जी आप ना child not dot parent not के ज़रिए आप पकड़ सकते हैं उसको, पिछले चैप्टर में बताया. अब यहाँ पे कह रहा है ये मज़ीद वेज बता रहा है. सो फार वी हैव लर्न डॉम पेरेंट चाइल्ड हायरार्की टू टारगेट द चाइल्ड नॉट ऑफ अ पेरेंट बाई स्पेसिफाइंग इट्स ऑर्डर एरे लाइक कलेक्शन ऑफ चाइल्ड. कह रहे हैं कि अभी तक हमने पेरेंट उठाना सीखा है और चाइल्ड उठाना सीखा है. चाइल्ड जो हमने देखा एरे की सूरत में वो मिल रहा होता है एरे लाइक, उसका जो है 0, 1, 2 करके हम उठा रहे होते हैं. अच्छा, अब बट देयर इज़ अदर वे, देयर आर अदर वे टू यूज़ द हायरार्की फॉर टारगेटिंग. टू बिगिन इंस्टेड ऑफ चाइल्ड नॉट ज़ीरो यू कैन राइट फर्स्ट चाइल्ड. यार ये फर्स्ट चाइल्ड तो पढ़ लिया था हमने, फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड तो हमने पढ़ लिया. चलो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, गेटिंग टारगेट नेम. अच्छा, अब ये तो चक्कर हो गया कि जी नॉड को आप पेरेंट उठा, किसी भी नॉड पे खड़े होकर आप कहीं भी जा सकते हैं, पेरेंट में कितना भी ऊपर जाना चाहें या चाइल्ड में कितना भी नीचे जाना चाहें, या हॉरिजॉन्टली भी आप जा सकते हैं कि मतलब आप अपने सिबलिंग पे चले जाएं, या आप अपने पेरेंट के दूसरे साइड वाले ट्री पे, तो पूरे ट्री पे आप घूम सकते हैं, ये हमने अभी तक देख लिया. अब ये कह रहा है कि जी एक नॉड जो आपने पकड़ा है ना, एक नॉड, अब नॉड तो तलाश कर लिया, पूरे ट्री के अंदर कोई एक नॉड अपने तलाश करके निकाल लिया, अब उस नॉड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे वो वाली बात डिस्कस हो रही है. अच्छा, तो कह रहा है कि इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ टू गेट नॉड टाइप विथ स्टेटमेंट लाइक नॉड टारगेट नॉड डॉट नॉड टाइप. अच्छा, पिछले में इसने बताया था कि एक एलिमेंट नॉड होता है, एक टेक्स्ट नॉड होता है, ये इसने जिक्र किया था. अच्छा, वो कह रहा था कि वो एक्स्ट्रा टेक्स्ट नॉड बन जाते हैं, है ना, वो बता रहा था कि, फिर उसने बोला कि यार आप एक लाइन में कर दो तो मसला हल हो जाएगा, तो ये वो वाली बात कर रहे हैं. ठीक है, पिछले चैप्टर के लास्ट में इसने ये जिक्र किया है कि जी आप ना, अच्छा वो इससे भी पहले वाले में किया इसने. अच्छा, कह रहा है कि इन द एग्जाम्पल अबव इफ नॉड इज एन एलिमेंट द वेरिएबल एन टाइप, यानी ये जो इसने ये वेरिएबल बनाया है कि एन टाइप इक्वल्स टू कोई भी नॉड डॉट नॉट टाइप. मिसाल के तौर पे मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी और एक डिव मैंने उठा लिया, अब उस डिव के ऊपर मैं क्या क्या कॉल कर चुका हूँ, पहले डॉट स्टाइल कॉल कर चुका हूँ, ठीक है, डिव के ऊपर डॉट इनर एचटीएमएल कॉल कर चुका हूँ, अब एक नई चीज़ हम कॉल कर रहे हैं डॉट नॉड टाइप. अब नॉड टाइप जब हम कॉल करेंगे तो ये कह रहा है कि अगर तो ये हुआ ना कोई एलिमेंट तो क्या उसको जाएगा, मतलब क्या रिटर्न करेगा वो वैल्यू, नंबर वन. इफ नॉड इज टेक्स्ट इट विल बी नंबर थ्री. अब कह रहा है कि या तो वन रिटर्न होगा या तो थ्री रिटर्न होगा. अच्छा, यू कैन गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नॉड बाय यूजिंग द नॉड नेम. कह रहा है कि नॉड टाइप तो चलो ये वन और थ्री आ गया, उसके अलावा नॉड का आपको नाम भी मिलेगा साथ साथ. अच्छा, नाम में क्या मिलेगा जी, द नॉड नेम ऑफ टारगेट नॉड इज असाइंड टू द वेरिएबल एन टाइप. अच्छा, नॉड नेम जो भी एलिमेंट होगा वही होगा, एक्चुअली डिव होगा, या अगर इमेज है तो आईएमजी होगा, उसका ये नाम मिल जाएगा आपको. अच्छा, यहाँ पे इसने कुछ कोड लिखा है मज़ीद, एक एलिमेंट उठाया है डिव, डॉक्यूमेंट में से कोई एक डिव इसने उठाया है रैंडमली, अच्छा आईडी के ज़रिए, और उसके ऊपर लिखा है इसने फर्स्ट चाइल्ड,
यानी अभी क्या कर रहा है, ट्री के अंदर नॉड को तलाश कर रहा है और टारगेट इसने तलाश कर लिया। टारगेट तो वेरिएबल तो है, लेकिन देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ने क्या रिटर्न किया, एक एलिमेंट। अच्छा एलिमेंट जो है वो नॉड, दो नॉड से मिलके बनता है, तो वो एलिमेंट इटसेल्फ नॉड ही है एक्चुअली। अच्छा अब इसने देखो इस ये पेरेंट में डाल दिया, पेरेंट के ऊपर डॉट फर्स्ट चाइल्ड लगाया, तो इतना पार्ट क्या रिटर्न करेगा, ये भी एक एलिमेंट है ना, ये भी एक नॉड रिटर्न करेगा एक्चुअली। अच्छा अब ये नॉड इसके अंदर आ गया, अच्छा ये अभी इस टारगेट के ऊपर डॉट इनर एचटीएमएल लग सकता है, इस टारगेट के ऊपर डॉट स्टाइल लग सकता है, तो इस टारगेट के ऊपर डॉट नॉट टाइप और नॉट नेम भी लग सकता है। तो इसने नॉट नेम लिखा, तो एन नेम के अंदर जो है ना कोई बात आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली एक डिव लिखा आएगा, देखते हैं ये क्या बता रहा है। अच्छा ये आ गया नॉट नेम, कह रहा है कि अगर पैराग्राफ होगा तो पी आएगा, डिव होगा तो कैपिटल लेटर में पूरा डिव लिखा आ जाएगा। तो ये कुछ इसने नाम बता दिए, बाकी आप लिस्ट पूरी तलाश करना चाहें तो एमडीएन पे जा सकते हैं या ख़ुद से आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अच्छा तो इससे क्या होगा, सम टाइम आप डायनेमिकली जब नॉड को तलाश करते हैं तो आपके लिए ये मेक श्योर करना ज़रूरी होता है कि वो जी मैंने जो नॉड तलाश करके निकाली है क्या ये वाकई H1 ही पकड़ा है मैंने, या इस आईडी से कुछ और पकड़ में आ गया। क्योंकि जब आप डॉट चाइल्ड करके जाते हैं या फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड करके जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट चाइल्ड में वही एलिमेंट मिले आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक डिव है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब उस एलिमेंट में ना कहीं एक H3 मौजूद है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहला आइटम उठाएंगे H3 है नहीं है, चलो अगले पे गए H3 है नहीं है, उसके बाद अगले पे H3 है हाँ है, तो ये मेरे काम का। तो इस तरह की सिचुएशन में ये नेम काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। ये इसने नॉट नेम लिखा है, नॉट टाइप में तो 1 और 3 आ रहे हैं ना, वो तो नुमेरिक वैल्यू दे रहा है, उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि ये एलिमेंट है या नहीं है। अगर वो नॉट टाइप एलिमेंट होगा तो वो एक डिफरेंट नंबर देगा, और टेक्स्ट नॉट होगा अगर वो तो एक डिफरेंट नंबर देगा। जैसे पैराग्राफ एक एलिमेंट है लेकिन वो दो नॉड से, एक पैराग्राफ इटसेल्फ एक नॉड है और एलिमेंट भी है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट नॉड है जो कि सिर्फ नॉड है, वो एलिमेंट नहीं है, सही है। हाँ नहीं नहीं जंक आर्टिफैक्ट तो वो ये कह रहा है कि वो एक्स्ट्रा नॉड बन जाती है टेक्स्ट की, लेकिन अभी हम हाँ नहीं, पैराग्राफ के अंदर जो एक लाइन का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो जंक आर्टिफैक्ट नहीं है, लेकिन वो एक अलग नॉड है। पैराग्राफ जो इस जो डी डॉम वाला हमने जिस दिन पढ़ा था उस दिन हमने ये डिटेल में एक्सप्लोर किया था कि जी वो जो ट्री होती है ना वो तमाम के तमाम नॉड्स होते हैं, ठीक है, यानी तमाम के तमाम एलिमेंट इटसेल्फ नॉड होते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इंटरनली एक से ज़्यादा नॉड होते हैं, जैसा कि पैराग्राफ, जैसा कि हेडिंग। हेडिंग का जो H1 जब आप उठाते हो गेट एलिमेंट बाय आईडी H1 करके आपने एक H1 उठा लिया, तो H1 इटसेल्फ एक एलिमेंट है, एक नॉड भी है, लेकिन H1 एलिमेंट के अंदर एक और नॉड है जो कि टेक्स्ट नॉड कहलाता है, और वो टेक्स्ट नॉड एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ नॉड है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट नॉड और एलिमेंट नॉड असल में इसी की बात कर रही है, ठीक है। तो वो 1 और 3 जो दे रहे हैं ना वो यही चक्कर है। तो 1 और 3 से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि जी ये पैराग्राफ है या पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट है, क्योंकि दोनों अलग अलग नॉड हैं ये। अच्छा वंस आपको पता चल गया कि जी ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट नहीं है, एलिमेंट है ये, लेकिन इस एलिमेंट का नाम क्या है, ये एलिमेंट पैराग्राफ भी हो सकता है, ये एलिमेंट H1 भी हो सकता है, ये एलिमेंट स्पैन भी हो सकता है, क्योंकि इन तमाम केसेस में क्या होगा, एक एलिमेंट और जो कि इटसेल्फ नॉड भी है और उसके अंदर एक और टेक्स्ट नॉड होगा, इन तमाम एलिमेंट्स में ये होगा। तो इस तरह के जब एलिमेंट आप इनकाउंटर करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप नाम जाने उसका, हर केस में नहीं लेकिन कुछ केसेस में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप नाम जाने। अच्छा जी एक तो नॉड टाइप इसने पकड़ ली, नॉड नेम पकड़ लिया, नॉड वैल्यू की अब बात आ रही है कि जी उस नॉड की इस वक्त वैल्यू क्या है। अब इसने देखें दोबारा से ना एक कोड लिखा है, एक डिव उठाया आईडी के ज़रिए उठाया, अच्छा उसका फर्स्ट चाइल्ड उठाया, उस डिव के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका वो उठाया, और उस फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर इसने लगाया जो टारगेट था इसका फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। टारगेट नाम रखा है वेरिएबल का, कोई भी नाम रखा जा सकता है, इसने टारगेट नाम रखा है। डॉट नॉट वैल्यू, अच्छा नॉट वैल्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जी इफ़ इट्स अ टेक्स्ट नॉट यू कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू। अगर वो टेक्स्ट नॉट है, अगर तो एलिमेंट नॉड है तो उसका आप नेम उठा रहे हैं, अगर वो टेक्स्ट नॉड है तो उसकी आप वैल्यू उठा सकते हैं,
ठीक है। अच्छा आप ये अभी सोचेंगे कि जी मुझे तो मैं div उठाता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट करता हूँ तो भी मुझे टेक्स्ट मिल जाता है उसका, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ वे, दिस इज़ अनदर वे। अच्छा इस वाले तरीके के बारे में लोगों का मानना है कि ये फास्ट है थोड़ा, ठीक है। अच्छा ये आपने इंटरनेट पे खुद से रिसर्च करनी है कि जी अगर मैं इनर टेक्स्ट लगा के टेक्स्ट को गेट करता हूँ और मैं ऐसे करके नॉड और डॉट वैल्यू करके उठाता हूँ अगर, तो इन दोनों में स्पीड का क्या फ़र्क है कोई, ये क्या चक्कर है? तो ये आपने अलग से इसको रिसर्च करना है कि जी ये दो तरीके दोनों मौजूद हैं, दोनों से सेम काम हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि नहीं जी मुझे नॉड वाला ही काम करना पड़ेगा, इनर टेक्स्ट फेल हो जाएगा, हो सकता है कोई ऐसा हो, तो आया कि इस तरह की कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो कोई तो रीज़न होगा कि दो तरीके इन्होंने दिए हैं, तो ये आपने अलग से इसको रिसर्च करना है। नॉड वैल्यू जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ अगर टेक्स्ट नॉड है वो, यानी पैराग्राफ इटसेल्फ एक एलिमेंट है उसके अंदर टेक्स्ट नॉड है, तो उस टेक्स्ट नॉड पे डॉट वैल्यू कॉल करेंगे तो मुझे वो पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, इसने यहाँ पे उसको प्रिंट भी करवाया हुआ। ये स्टिल आपको ये हाथ से लिख के देखना पड़ेगा कोड जब भी एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा अब ये क्या, अगर ये वाला नॉड वैल्यू आप कॉल करें किसी ऐसे एलिमेंट पे जैसे कि इमेज पे तो क्या होगा? सही है, उसके अंदर तो टेक्स्ट तो नहीं है तो क्या देगा वो? ये हाथ से एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है कि जी डिफरेंट। अब एक टेबल है, अब टेबल के अंदर जो एक तो टेबल इटसेल्फ एलिमेंट है, टेबल के अंदर एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं टी आर या टी एच कुछ केसेस में, सही है। अच्छा फिर टी आर इटसेल्फ एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक और एलिमेंट है जिसका नाम है टी डी। अच्छा टी डी अब एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक और नॉड है, अब वो एलिमेंट नहीं है, मतलब जो टी डी था वो तो एलिमेंट भी था नॉड भी था, लेकिन टी डी के अंदर जो एक चीज़ मौजूद है वो सिर्फ नॉड है, वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब उस नॉड के ऊपर डॉट वैल्यू कॉल करेंगे तो मुझे उस सेल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज़ अगर मैं डायरेक्ट टेबल के ऊपर कॉल कर दूँ डॉट नॉड वैल्यू तो मुझे वो क्या देगा? ठीक है, ये करके देखने से पता चलेगा कि जी यही सेम चीज़ जो नॉड वैल्यू ये मुझे करके बता रहा है डिव पे, अगर मैं ये टेबल पे करूँ, अगर मैं ये इमेज पे करूँ तो क्या देगा, अगर मैं कैनवास पे करूँ तो क्या देगा, ठीक है। तो ये हाथ से जब तक आप करेंगे नहीं ना, कोडिंग की मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कारपेंटर वाली, कि कारपेंटर का जो काम है ना, आप देखेंगे यूट्यूब पे आजकल वीडियो आती है ना ASMR वाली, कि सेटिस्फाइंग वीडियो, अब वो टेबल बना रहा है बड़े मज़े से बना रहा होता है, वो इतनी अच्छी वीडियो बनाई हुई होती है, पीछे चड़िंग 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 म्यूज़िक चल रहा होता है उसके, बड़ा स्लो सा मज़ेदार, तो बैठ के देखता रहता है बंदा, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन क्या वो वीडियो देखने से कोई कारपेंटर बन जाएगा? कभी भी नहीं बनेगा, सही है। जब वो पहली दफ़ा पकड़ेगा ना हाथ में वो ऐसे प्लेन करने वाला जो टूल होता है, वो उससे चलेगा ही नहीं, सही है। तो अगर आपको कुछ बनना है तो आपको हाथ से कुछ करना पड़ेगा, अपने सिर्फ देखने से नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ तो आप आके जो ये देख रहे हैं ना अभी क्लास में बैठे हैं आप, तो इसमें और थिएटर में तो कोई फ़र्क नहीं है, थिएटर में आप जाते हैं ड्रामा चलता है मूवी चलती है आप देखते हैं घर आ जाते हैं, तो ये कुछ देर तक याद रहता है फिर याद नहीं रहता, कुछ देर तक दोस्तों में तस्करा रहता है कि यार अबे भाई चाइल्ड नॉट पढ़ा था आज हमने, ये तुम्हें तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया था चाइल्ड नॉट, तो कहेगा यार नहीं हमारे टीचर ने तो नहीं पढ़ाया था, कहेगा देख भाई मेरे टीचर सब पढ़ाते हैं तुझे, मैं समझ रहे हो, इस तरह दो चार दोस्तों में तस्करा रहेगा फिर भूल जाओगे। तो ये हाथ से करने वाली चीज़ है, हाथ से करोगे तो आएगा। एक और स्विमिंग की भी अक्सर मिसाल देता हूँ, स्विमिंग वाली बुक अगर पढ़ोगे आप, इतनी मोटी बुक स्विमिंग की, आप पूरे साल पढ़ते रहोगे तो साल के आखिर में आप तैरना नहीं सीख सकते, ठीक है। तो सिर्फ बुक पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आप आके बैठोगे, आप घर जाके आपने बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने में बड़ा ज़ोर देता हूँ मैं, लेकिन बुक पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, बुक पढ़ते भी जाओगे आप, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओगे। तो स्विमिंग अगर सीखनी है आपने तो आप बुक को पढ़ते भी जाएंगे एक एक चैप्टर, और पहले ही दिन से आप स्विमिंग पूल में टब में किसी चीज़ में हाथ पाँव मारना शुरू कर देंगे आप, तो शायद साल के आखिर तक आप कुछ ना कुछ सीख जाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं देख के पढ़ रहे हैं आप, तो उससे कुछ भी नहीं आएगा आपको, सही है। ये पढ़ने वाली चीज़ तो है लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं आएगा, प्रोग्रामिंग हाथ से करने वाला आइटम है। वेल तो जी अब इसने इस तरह की सिचुएशन एक बना दी है यहाँ पे कि जी सो इफ दिस इज द मार्कअप विद द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एच टू एलिमेंट अ नॉड विद द नेम टेक्स्ट, भाई क्या लिख दिया इसने ये? अच्छा कह रहा है कि जी ये एक H2 है, और अब इस H2 की आप सिचुएशन देखें ज़रा, ये H2 एक एलिमेंट है,
पूरा का पूरा। अच्छा, जब इस एच टू को आप उठाएंगे तो यानी एज अ नॉड आप जब इसको डील कर रहे होंगे इससे, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, इसके अंदर कितने टेक्स्ट नॉड हैं? इसके अंदर नंबर एक टेक्स्ट नॉड ये है, सही है, नंबर दो एक नॉड ये है, ठीक है, एक नॉड ये है जो कि एलिमेंट भी है। अच्छा, फिर तीसरा नॉड ये है जो कि सिर्फ नॉड है, एलिमेंट नहीं है। अब ये तीन नॉड हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये दरमियान वाला जो नॉड है इसके अंदर एक और नॉड है, तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन बन गई है। अब ये क्या कह रहा है इस बारे में, द नॉड विथ वैल्यू डू एन एलिमेंट नॉड लाइक पी और आई एम जी हैज़ अ नेम बट नो वैल्यू, सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर आप इस नॉड को उठाओगे ना, इस नॉड को अगर आप उठाते हो, सही है, आपने एच वन उठाया, एच वन का आप बोलोगे फर्स्ट चाइल्ड, तो आपको ये वाला आइटम मिल जाएगा, सही है। अच्छा, कह रहा है कि पैराग्राफ और इमेज की तरह इसका क्या इसने लिख दिया, ये एन एलिमेंट नॉट लाइक पी और आई एम जी हैज़ अ नेम बट नो वैल्यू, ये क्या लिख दिया इसने, नहीं नाम क्या मिलेगा, एच टू मिलेगा, हाँ एच टू मिलेगा ना नाम, हाँ एच टू मिलेगा, नहीं मगर ये तो एच टू के ऊपर मैं, ये थोड़ी मुश्किल बात कर दी इसने। अच्छा, इफ़ यू ट्राई टू असाइन एन एलिमेंट अ नॉट वैल्यू टू अ वेरिएबल द वेरिएबल विल बी असाइन नल, ये इसने क्या बात की, समझ आई किसी को, मुझे तो नहीं आई। हाँ नहीं, ये एच टू की मगर बात नहीं कर रहा ना, ये कह रहा है कि द नॉड वैल्यू इज डू। अच्छा, ये तो ऊपर वाला पैराग्राफ था, गड़बड़ मैंने यहाँ की, ये ऊपर वाला पैराग्राफ था, ये नीचे अलग बात कर रहा है, ये यहाँ से शुरू है कहानी। हाँ, ये ऊपर वाले पैराग्राफ की वो बात, वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया ना, इसका मतलब बात खत्म हो गई वहाँ, ये नीचे एन एलिमेंट ये दूसरी बात है, जब ही तो मिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ से दोबारा इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसने। सो इफ दिस इज द मार्कअप विद द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एच टू एलिमेंट अ नॉड विद द नेम टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी ये फर्स्ट चाइल्ड आप उठाओगे इसका और इसका नेम जब गेट करोगे आप, तो नेम में आपको मिलेगा ये, क्योंकि ये टेक्स्ट नॉड है, ये डिव नहीं है, ये टेक्स्ट नॉड है। अगर एच टू पर डॉट लगाएंगे हम नेम, तो हमें मिलेगा एच टू, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अगर लगाएंगे तो मिलेगा हैश और ये टेक्स्ट, जो पहले इसने पिछले पेज पे वो दायरा बना बना के दिखाया भी था। अच्छा अच्छा, ये जो है जिसका नेम आपको मिल रहा है टेक्स्ट, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी डू। बिल्कुल बेहतरीन, सही बात की इसने, बिल्कुल सही बात कर दी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, एन एलिमेंट लाइक पी और आई एम जी, यानी कि पैराग्राफ और इमेज हैज़ अ नेम, नाम मिलेगा आपको, आपने अगर सिर्फ एच टू या सिर्फ पैराग्राफ उठाया उसमें नाम मिलेगा आपको, नॉर्ड का नेम मिलेगा, बट वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू उसकी मिलेगी नल। अच्छा, ऑन अदर हैंड हम जब कोई पैराग्राफ उठाते हैं उस पर डायरेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल लगाते हैं तो मुझे टेक्स्ट मिल जाता है, लेकिन जब नॉर्ड की तरह से हम इसको डील कर रहे होंगे तो मैं पैराग्राफ उठाऊँगा, डॉट नॉर्ड वैल्यू करूँगा, नल मिलेगा। ये इसने यहाँ पे बात की है, एक्चुअली नेम मिलेगा मुझे लेकिन वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू के लिए मुझे उसके अंदर उसके चाइल्ड नॉड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉड के हिसाब से देखा जाए तो पैराग्राफ एक नॉड नहीं है, दो नॉड है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में यानी एच टू जो है वो एक नॉड नहीं है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में दो से भी ज़्यादा हैं, ठीक है, कि ये एक तो फर्स्ट चाइल्ड में डू मिलेगा, थर्ड चाइल्ड में ये मिलेगा और सेकंड चाइल्ड में ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट मिलेगा। अच्छा, इस सेकंड चाइल्ड पर डॉट वैल्यू लगाऊंगा तो भी नल मिलेगा क्योंकि ये एलिमेंट है। अब इसकी वैल्यू उठाने के लिए इसके अंदर जो चाइल्ड है ना वो उस पर जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो हमें पता ये चला अभी तक एक बिग पिक्चर जो हमारे सामने आई है कि जब हम नॉड वाले तरीके से जब डील करते हैं। अच्छा, अगर देखो क्या होगा, अगर इस एच टू पे मैं इनर एच टी एम एल लगाऊंगा तो वो क्या करे, इनर टेक्स्ट लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, ये पूरा टेक्स्ट उठा के देगा और ये बीच से ई एम को कर देगा गायब। तो कुछ केसेस में शायद इनर एच टी एम एल ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो ई एम को कर देगा गायब, ई एम को कंसिडर नहीं करेगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना टेक्स्ट वो उठा के ला के देता है वो,
ऑन अदर एंड अगर मैं नॉर्ड करके डील करता हूँ तो मुझे तीनों अलग अलग मिलेंगे ये, ठीक है। तो नॉर्ड वाले तरीके में कंट्रोल नस्बता ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है, डॉट इनर एचटीएमएल वाले की नस्बत कंट्रोल ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन चूंकि कंट्रोल ज़्यादा है तो आपको शायद कोड भी थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और कंट्रोल ज़्यादा है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है साथ साथ। अच्छा, अब इसमें आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं ये। अच्छा, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि जी इनर एचटीएमएल अगर हम चलाते इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एचटीएमएल नॉट H2। अच्छा, इनर एचटीएमएल के बारे में ये दो बातें बता रहा है। कह रहा है कि जी इट इज पॉसिबल टू कंफ्यूज नॉट वैल्यू एंड टेक्स्ट नॉट विद इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको भी देखें राइटर क्या कमाल बात लिखी है इसने। इसको भी अंदाजा है कि ये पढ़ते हुए ना इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल बार बार जहन में आ रहा होगा कि यार ये उससे तो बड़े आराम से हो जाता है, इससे क्यों नहीं हो रहा। तो इसने यहाँ पे इसलिए ये बात क्लैरिफाई की है कि जी अब जो है ना देयर आर टू डिफरेंसेस, कि दो डिफरेंसेस हैं अगर आप नॉर्ड वैल्यू करके उठाते हो चीज़ को और इनर एचटीएमएल करके उठाते हो। पहला तो डिफरेंस ये है कि जी इनर एचटीएमएल इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट नॉर्ड। ये इनर एचटीएमएल आपको हमेशा एलिमेंट पे मिलेगा, नॉर्ड पे नहीं मिलेगा। यानी एलिमेंट जैसे पैराग्राफ की हम बात कर रहे थे, पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर एक टेक्स्ट नॉर्ड है तो उस टेक्स्ट नॉर्ड पे इनर एचटीएमएल नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ एलिमेंट टाइप वाले नॉर्ड पे मिलेगा। अच्छा, लाइक H2 इन द अबव एग्जाम्पल। हाँ, H2 इन द अबव एग्जाम्पल, कि जो जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में H2 है दैट इज़ एन एलिमेंट, उस पर डॉट करके आप लगाओगे इनर एचटीएमएल मिलेगा, उसके ऊपर नॉट वैल्यू नहीं मिलती, नॉट वैल्यू मिलती है टेक्स्ट नॉट के ऊपर। अच्छा, द नॉट वैल्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट नॉट इटसेल्फ, नॉट द पेरेंट एलिमेंट। अब कह रहा है टेक्स्ट नॉट आपको एलिमेंट पे नहीं मिलता, ये मिलता है एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट नॉट है उसके ऊपर मिलता है ये। सही है जी, पहला डिफरेंस ये समझ में आ गया जो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके थे, लेकिन इसने सेम बात यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी। ठीक है, सेम बात इसने रिपीट कर दी यहाँ पे। इनर HTML includes all the descendant of the elements, including inner element nodes. कह रहा है कि जी आप अगर H2 पे लगाओगे ना इनर HTML, तो वो क्या करेगा, वो ना सिर्फ इसके अंदर का टेक्स्ट उठाएगा बल्कि ये सारा का सारा HTML मजीद भी उठा लेगा। हो सकता है इस H2 के अंदर एक पूरा का पूरा एक लिस्ट बनी हुई हो, या शायद पूरा बड़ा पैराग्राफ हो, एक जो कुछ भी होगा उसको ये उठा लेगा और एज अ HTML उठाएगा, एज अ टेक्स्ट नहीं उठाएगा, एज अ HTML उठाएगा। अभी भेजता हूँ। अच्छा नहीं, मे भी आज उन्होंने जल्दी किया हो, टाइम ऊपर जा रहा है नमाज का, नीचे आ रहा है। चलें, हम अभी वैसे तो 2-4 मिनट हैं हमारे पास, अभी कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसने यहाँ पे ना थोड़ा लाल करके बताया कि जी ये सारा माल ये उठा लेगा, अगर इनर HTML किया ना हमने तो ये सब उठा लेगा। अच्छा, और कह रहे हैं कि अगर हम टेक्स्ट नॉट करके उठाऊंगा तो मुझे सिर्फ इतना पार्ट भी मिल सकता है, इतना पार्ट मुझे चाहिए तो टेक्स्ट नॉट के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि जी एक ऐसी सिचुएशन ये वाली है, नहीं हटाता है इनर टेक्स्ट, हटा देता है इनर टेक्स्ट अलग है, इनर HTML अलग। ये जो बात कर रहे हैं इनर HTML की कर रहा है, टैग सब ले लेता है। हाँ, टैग वैग सब ले लेता है, इनर टेक्स्ट जो है वो टैग हटा देता है। इनर टेक्स्ट वो सिर्फ टेक्स्ट वर्जन उठाता है, लेकिन वो टेक्स्ट वर्जन भी फिर पूरे का उठाएगा यहाँ तक का, ये सिर्फ डू नहीं उठाएगा, वो सिर्फ डू नहीं आप उठा सकते इनर टेक्स्ट के जरिए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जी अब आप क्या करोगे, टारगेट नॉड नॉड नेम करके ना आप चेक करोगे कि जी इमेज तो नहीं है ये पहले। सिंस देयर आर सिचुएशन विच नॉड नेम गेट्स यू, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ पी और एन HREF इंस्टेड ऑफ HREF, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू स्टैंडराइज द केस यू आर टेस्टिंग द नेम विद। कह रहे हैं कि जी अब एक कन्फ्यूजन ये हो सकती है, वो हमेशा देता है वो कैपिटल्स में, तो आप कन्फ्यूज रहोगे हर वक्त कि यार पता नहीं कैपिटल में दे रहा है स्मॉल में दे रहा है। वो कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप जब भी चेक करो ना आप एक स्टैंडर्ड बना लो, या तो अपर केस मार के चेक करो या तो लोअर केस मार के चेक करो। ये कह रहा है भाई नॉट नेम डॉट टू लोअर केस, नॉट नेम में जो भी आएगा ना लोअर केस में करके आपको देगा ये, उससे आप कंपैरिजन मारो। ठीक है, आमतौर पे ईमेल में भी हम यही करते हैं, जब ईमेल आती है साइनअप के लिए, अब वो बीच में कोई एक लेटर कैपिटल लिख दिया ना तो डेटाबेस
पकड़ नहीं पाता फिर उसको। डेटाबेस में तो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, अब वो डेटाबेस में हम डालते हैं तो वो एक और एंट्री लग जाती है उसमें। तो हम क्या करते हैं कि हर आने वाला जो ईमेल होता है उसको हम पहले लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। अब बीच में कोई एक लेटर किसी ने कैपिटल भी लिखा ना अगर, तो हम उसको लोअर केस करके जब डेटाबेस में भेजते हैं तो डुप्लीकेट पकड़ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस केस सेंसिटिव होता है जो MongoDB खासतौर पर। तो हम उसको स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जी यूज़र सामने से कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिखे या मिक्स पत्ती कर दे, हम उसको स्मॉल में करेंगे पहले कन्वर्ट और फिर हम डेटाबेस में सेव करेंगे, या फिर हम कोई जो भी काम करना है, कोई भी कंपैरिजन करना है तो फिर हम करेंगे। तो वही वाली अप्रोच इन्होंने यहाँ पे भी बता दी। अच्छा ये टेक्स्ट के, अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्त ने हाईलाइट की है कि यहाँ पे ना वो कॉल सिग्नेचर होना चाहिए था। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, कॉल सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे। स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लगा के जो होता है वो तो कॉल सिग्नेचर के साथ होता है। हाँ ऐसा ही है, करेक्ट। तो वो यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया। अच्छा कह रहे हैं कि जी इफ़ नॉट नेम वॉज ऑरिजिनली अपर केस द कोड चेंजेज इट टू लोअर केस। ये एक्सप्लेन कर रहा है अपने कोड को। If you are checking a node name, see if a node is a text node. Converting to lowercase isn't necessary because the name of text node is always hash text, never hash text. कह रहे हैं कि वो हमेशा ना small में आएगा। जब text node की हम name उठाते हैं, जब text node का जब हम name get करते हैं तो हमेशा वो hash यानी pound sign और text लिखा हुआ आता है small letter में, capital में वो कभी भी नहीं देता।